मैं इस समय हूँ काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस में, और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो जगह जहाँ पर काठगोदाम की जो ट्रैक था वो वॉश ऑफ हो गया था। क्यों? जो अत्यधिक पानी आ गया था, बहुत बारिश हुई थी उत्तराखंड के पहाड़ों में साइड में, तो सारा पानी बह के गोलना नदी के थ्रू आगे चले गया था, उसके वजह से पूरा ट्रैक वॉश आउट हो गया था। ये थे काठगोदाम। ये जो लाइन जा रही है ऊपर, ये उस पर गाड़ी जो है शंट होती हैं, तो यही वॉश ऑफ होता। देखो पहले आगे तक था, अब यहाँ तक इसको बंद कर दिया है, और शायद देखेगा यहाँ से कि नहीं, ये पूरा ट्रैक गायब हो गया है। इसके उस पार जो है, ये देखो ट्रैक गायब हो गया। देख रहे हो आप, यहाँ तक ट्रैक है। देखो सामने से गोला नदी बदलता है, राइट ये राइट में गोला नदी है, लेफ्ट में मेरे, और यहीं से पानी आया था पूरा वहाँ से होके नीचे पहाड़ों से नीचे होके, और पूरा उसने मिट्टी जो है पूरे कट गए थे उसके वजह से। उस एरिया को बोलते हैं हम गोला पार। ये गोला नदी है, गोला के उस पार जो एरिया है उसको बोलते हैं यहाँ के लोग गोला पार। और इस तरह पूरा कैंट का एरिया है, और सिटी जो शहर का इलाका है वो नदी के बाई तरफ है, इस पार है, और नदी के उस पार जो है उसको हम बोलते हैं गोला पार।